आज मैं पाव भाजी मसाला घर पे बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगी। इसमें बहुत ही कम मसाले का यूज होता है और इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस थोड़े से टाइम की जरूरत होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ लिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 बड़ी वाली इलायची, 6-7 लौंग, 1 पूरा स्टिक लेना है, नहीं तो अगर छोटा हो तो इस तरह से 4-5 ले लिया आप दालचीनी का। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर काली मिर्च लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट जो काला नमक जिसे बोलते हैं, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है, 6-7 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता। गैस स्टोव ऑन करके पैन मैंने रखा है, पैन गर्म हो गया है। इसमें धनिया पहले थोड़ा सा भून लेंगे, इसे 30 सेकंड तक ऐसे ही भूनना है। इसमें जीरा 30 सेकंड और भूनना है, इसे फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है क्योंकि ये जल जाएगा। अब इसमें सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग बड़ी वाली लौंग और इलायची, तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च, इसको 30 सेकंड के लिए और भून के गैस फ्लेम को ऑफ कर ले और मसाला को ठंडा होने दे। मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको जार में डाल करके एक फाइन पाउडर बना ले। ये मसाले का पाउडर बन गया है, इसमें हल्दी पाउडर, काला नमक, नमक और अमचूर पाउडर। सबको डाल के एक बार फिर से मिक्सी चला ले जिससे ये मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस मसाले को आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लें, ये 6 महीना आपको ऐसे भी चलेगा। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो पूरे 1 साल तक ये खराब नहीं होगा।